संभल में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला थाना बनरिया ढेर का है, जहां लूट की वारदात को अंजाम दे रहे छात्र लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लुटेरे के पास एक ई रिक्शा, एक मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है, जबकि एक साथी मौका पाकर फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल के कुशल नेतृत्व में थाना बनिया ठेर की पुलिस द्वारा चौकी आटा के पास आज लूट के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक चोरी की ई रिक्शा, एक चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं एक तमंचा और एक चाकू बरामद किया गया है। उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें से एक के ऊपर जो है उसका आपराधिक इतिहास रहा है। खबर संभल से है, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक ई रिक्शा, एक जिंदा कारतूस, तमंचा भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक जिस लुटेरों को गिरफ्तार किया उनमें से एक साथी जो है मौके से फरार हो गया है। खबर गाजीपुर के सतर कोतवाली इलाके का है, जहां पर एक सनकी प्रेमी ने युवती की चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टेढ़ी बाजार मल्लाह टोली की रहने वाली युवती से आरोपी प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि युवक पर पहले भी केस दर्ज हो चुका है। संभल में उच्च प्राथमिक विद्यालय सैजना अरहान में जर्जर बिल्डिंग में नैनिहालों को पढ़ने को मजबूर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी शिकायत इंचार्ज ने अधिकारियों से की, फिर भी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। पूरा मामला गुन्नौर तहसील क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय सैजना अरहान का बताया जा रहा है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? अच्छा, विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो जो विद्यालय की बिल्डिंग है जर्जर है और कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? सुरक्षित महसूस करते हैं? कैसा लगता है आपको? डर लगता है हमको, और जगह नहीं है क्लास में, और मैदान में बैठ के पढ़ते हैं, और मैदान में भी कम फील्ड है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? एट्थ क्लास। 31 मार्च 2016। और हमारी बिल्डिंग की स्थिति जो है इस समय बहुत दयनीय स्थिति में है। कमरे का लेंटर भी गिर गया है, और बरामदे का आप देख सकते हैं, आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, देख के लेंटर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। पीछे जे ई साहब आए थे और चौहान सर आए थे, BEO खंड शिक्षा अधिकारी, उन्होंने इसका सर्वे भी किया था, लेकिन इसको जो है आज तक कोई कार्रवाई इस पर हुई नहीं है। मतलब इसके बारे में किसी, आप जो DM साहब हैं समय मनीष बंदल जी, जी इनसे कोई शिकायत की आपने? इनसे नहीं, हमारा तो खंड शिक्षा अधिकारी से, हमारे पहले जो हमारे जस्ट सुपीरियर हैं उनसे तो कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रयागराज में पूर्व विधायक महेश नारायण सिंह की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में प्रयागराज के ऐतिहासिक धरती पर मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने पूर्व विधायक स्वर्गीय महेश नारायण सिंह की प्रतिमा के समीप पुष्प अर्पित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय महेश नारायण सिंह भारत के ऐतिहासिक धरती से ऐसे विधायक के रूप में जाने जाते हैं जो लोगों के दिलों में बसे हुए थे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है, समर्पण दिवस भी है, श्रद्धांजलि है। हम सब उनके सिद्धांतों पर आचरण करते हैं और जनता की भलाई के काम हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार दीनदयाल जी के सिद्धांतों पर कर रही हैं। स्वर्गीय महेश नारायण सिंह जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक थे, बहुत समाजसेवी थे, लगातार उनका परिवार समाज सेवा के काम उनकी स्मृति में करता रहता है। उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ।
संभल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुनावई परिसर में नई बिल्डिंग का निर्माण जारी है, साथ ही दवाइयों का स्टोर भी बनाया जा रहा है। तो वहीं पर अस्पताल में छत डालने के बाद लेंटर किया गया, वहीं मजदूर भी बाल बाल बचे और बड़ा हादसा टल गया, जिसमें अब ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में रामघाट रोड में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग अलीगढ़ से बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने आई थी। वहीं परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद बच्ची के मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। वहीं पुलिस अज्ञात युवक की तलाश में जुट गई है। एक नाबालिग लड़की द्वारा रात्रि को 1 बजे के आसपास अपने परिजनों को यह बताया कि शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और जो लड़की है उसके आरोपों के साक्ष्य में मेडिकल कराने हेतु अस्पताल भेजा गया तथा सुसंगत धाराओं में थाना महुआ खेड़ा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। लड़की द्वारा बताए गए व्यक्ति जो कि अभी मौके से फरार है की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है तथा शीघ्र गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। लखनऊ में लोगों के लिए नदी में विचरती जगमगाती नावें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दृष्टिगत शहर भर में कराए गए विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों के बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती रिवर फ्रंट की भी साज सज्जा की है, जिसके चलते LDA ने रंग बिरंगे फूलों और जगमगाती लाइटों से सजी 18 नावों को गोमती नदी में उतारा है। हरदोई में थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के आट दानपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गन्ने के खेत में ऊंची ऊंची लपटे उठती देखी गई। आनन फानन में खेत के मालिक मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक 15 से 20 बीघे गन्ना जलकर राख हो गया था। जानकारी के मुताबिक खेत में कुछ अराजक तत्वों ने आग लगाई थी। फिलहाल पीड़ित की तरफ से सभी लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। हमारे खेत में गन्ना खड़ा था, गन्ने में जिसने आग लगा दी पुरवा के लोगों ने, करीब 15-20 बीघे में अब सब बर्बाद हो गया है। आठ दानपुर के रहने वाले गन्ने के खेत में पुरवा के लोगों ने आग लगाई है, इसकी शिकायत बेटा गोकुल में FIR दर्ज करवा दी। कितने बीघे? 15-20 बीघे आग लगी है। रायबरेली में डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे कालू मजरे तेरखा गांव के पास एक महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला तिलक समारोह में जा रही थी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार। कौन सा गांव है? पूरे कालू। कौन सा थाना लगता है? डलमऊ यहां से। अच्छा, क्या हुआ है, क्या घटना हुई यहां पे? मोटरसाइकिल से जा रही थी, बाइक से गिर गई। अच्छा, कौन है? चाची है, सर पे चोट लग गई, उनकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? सोनू। कौन सा गांव है? पूरे कालू। कौन सा थाना लगता है? डलमऊ। क्या घटना हुई है यहाँ पे? के लालगंज थाने में घटना। नहीं, क्या घटना हुई है? बाइक से गिर गई। कौन है ये? चाची है। बाइक से गिर गई। कुशीनगर में साखोपार कस्या थाना क्षेत्र के ग्राम सभा श्यामपुर हतवा टोला पिपरा में बाबा बधौनाथ में विश्व कल्याण के लिए 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। बता दें इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रजनीकांत मणि भी शामिल हुई। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मजदूर घर के सामने बने हुए कुएं में अचानक गिर गया। जानकारी के मुताबिक मजदूर शराब के नशे में था, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। अछलदा थाना क्षेत्र के ग्राम घसारा में एक 35 वर्षीय व्यक्ति अपने घर के सामने बने कुएं में नशे की हालत में कूद गया। सूचना पर छलदा पुलिस एवं फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को कुएं से बाहर निकले तथा इलाज के लिए CHC अछलदा भेजा गया, जहां चेकअप के उपरांत डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि अभियुक्त पर दहेज की हत्या 304B के मुकदमा दर्ज था और काफी दिनों से पुलिस को अभियुक्त की तलाश थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त नीम गांव चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।